सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई लोग, तुमने देखा भाई शादी में कैसा मतलब डांस वांस का सीन? और भाई वो पिथौरागढ़ का था, वो देखा होगा तुमने। वो दो जो नाच रहे थे उनको वो छवेली करते हैं, पता नहीं कुछ छवेली बोलते हैं उस चीज़ को, तो क्योंकि वो पिथौरागढ़ में चलता है। तो मैंने भी पहली बार देखा, क्योंकि हम लोग गढ़वाली है, वो शायद कुमाऊनी हाँ पता नहीं यार, कुछ वो पिथौरागढ़ वाले कुमाऊनी पता नहीं, हाँ शायद कुमानी होते होंगे, तो उनके साइड चलता ही है। तो मैंने भी पहली बार देखा, मेरे को भी अच्छा लगा, तो मज़ा आ गया। तो चलो, अगर कुछ होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। और हाँ, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके भाई तुम बताते नहीं हो, बता देना इस बार। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ऐसी ब्लॉग में बनी रहो। गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 12 बज रहे हैं, और मेरी तबीयत हो रही है थोड़ा ख़राब, काफ़ी ख़राब हो रही है, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा है मेरा। अभी थोड़ा चाय पीऊँगा तो ठीक हो जाएगा, बाकी दर्द हो रहा है यार काफ़ी सर। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, जस्ट अभी मैं बाहर बैठ रखा था, थोड़ा पेट दर्द वगैरह और सर दर्द वगैरह सही हो गया। तो अभी थोड़ा मैं जा रहा हूँ थोड़ा सिमद्वार साइड, काफ़ी टाइम से भाई मैंने क्या बोलते डोसा होता है उसको डोसा नहीं खाया, तो मैं सोच रहा हूँ डोसा खाने जाऊँ। तो यहाँ देखो मम्मी का ये वहाँ, ये क्या खा रहे हो? मैंने पापड़ गर्म किया, ज़्यादा बोल रहे हो। तो गाइस अभी चलते हैं, थोड़ा मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। गाइस फाइनली अभी जस्ट मैं तैयार होकर नीचे पहुँचा, और इधर अपनी गाड़ी है नहीं, आज भैया ले जा रखा है और दीदी एक स्कूटी ले जा रखी है, बाकी मैं तो ऋषिका के साथ जा रहा हूँ, वो भी आ रही है आज, वही खिलाएगी आज। तो चलो चलते हैं पहले, फिर मिलते हैं भाई। आज यहाँ देख सकते हो आज ऋषिका खिला रही है ऐसे होता है जब फ्री का खाते ना तो कोई नहीं ऐसे हो। और इधर खा रहे हैं भाई, इधर आ रखे हैं, अबे इधर आ रखे हैं प्रेमनगर साइड थोड़ा खाने पीने। भाई यहाँ का सूप तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है भाई, सच में बहुत बढ़िया, लेकिन बहुत उतनी मिर्ची है, आंसू निकल गया भाई। नहीं नहीं भाई, लोग खाने के बाद कुछ मीठा, भाई आइसक्रीम थोड़ी ना है, लेकिन ये अबे ये मोर मेवाल क्या है? मेवाल 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 पास आ गए, जहाँ मम्मी भी आती है, इसकी मम्मी की सूट है थोड़ा इधर साइड। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा घर साइड, देखते हैं क्या सीन बनता है। आज का कुछ सीन ही नहीं बनाया, रात हो गई, और देखते हैं अगर कुछ घर पे होगा तो बताएंगे आपको, बाकी ऐसी ब्लॉग में बने रहो। अभी जस्ट ऐसे पे बैठ रखे हैं अद्दू। सो गाइज अभी जस्ट भाई तुम्हारा भाई घर पहुँचा, और ये देखो मम्मी भी अंदर ही है, मम्मी से मिलाते हैं। पता नहीं खाना बना दिया मम्मी? हाँ भाई मम्मी, मम्मी अच्छा खाना तो बना दिया भाई मम्मी ने। कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बोलूंगे आज, भारी बेइज्जती है भाई, भारी बेइज्जती। सो गाइस मम्मी कुछ बोल रही थी। हाँ हेलो गाइस, ये ना आप लोगों के लिए जो है घूमता ही रहता है बाहर, और कि मैंने YouTube बनाना, आप भी थोड़ा इस पे जोर लगाइए ताकि लाइक। जोर लगाइए अपने फोन पे, और फोन को तोड़ दीजिए, ऐसा जोर लगाइए। कपड़े सुखा दिए, कपड़े सुखा दिए हैं, बाहर नहीं टंगाए मम्मी तुमने। सो गाइस ये आप अपने टोक्यो के लिए आ चुकी है, ये देख लो क्या लिखा रखा है इस पे, ITBP सीमा द्वार। भाई ये हमने इशू करा रखा है, क्योंकि जब हम कार से अंदर आते हैं ना, एक तो अभी उसी के पास है दीदी के पास, जब हम गेट से अंदर आते हैं भाई तो ये लगा हुआ इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो अब बताता मैं इसके बारे में तुम्हें। सो गाइस इस ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ना भाई, मैं क्या बताऊँ। मतलब ये है, इस पर देखो लिख भी रखा है इशूइंग, ये सब लिख रखा है इसमें अथॉरिटी। क्योंकि भाई लोग जब तुम अंदर आते हो गेट के, ITBP का देखो कैंप होता है ना, तो तुम अगर अंदर आओगे तो ये चीज़ दिखनी चाहिए गाड़ी पे, और अगर नहीं होगी तो तुम्हें रोका जाएगा। वैसे ये फैमिलियों के लिए है, क्योंकि जो अंदर रहता है उनके फैमिली के लिए, क्योंकि वो बार बार अंदर बाहर करेगी, तो जो RP लगे रहते हैं बाहर वो बार बार भी नहीं रोकेंगे यार, पहले तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब ये गाड़ी अगर बाहर जाती है कहीं, तो इससे पता लग जाता है कि हाँ भाई ITBP की गाड़ी है, अपनी गाड़ी है। अगर कोई बाहर मतलब मान लो मतलब कोई ऐसी मिसिंग वगैरह हो गई हो गाड़ी का, अगर ये लोग हो तो मतलब ITBP वाले पहचान लेंगे कि हाँ भाई हमारी गाड़ी है ऐसा वैसा। और भाई ये लगाना बहुत सेफ रहता है, जैसे अगर कभी तुम्हारा चालान चुलान हो जाए ना, तो पुलिस वाले थोड़ा इसे देख के भी थोड़ा माफ़ कर देते हैं कि हाँ भाई चलो कि ITBP में ऐसा वैसा। तो फाइनली भाई अपना हो गया, मतलब इशू हो गया। तो देखते हैं अभी कुछ सीन बनेगा तो आपको जरूर बताएंगे, बाकी ऐसी ब्लॉग में बने रहो। सो गाइस अभी बैठ रखे थे, दीदी देखो अपना काम कर रही है लैपटॉप पे, और मम्मी उधर खाना खा रही है, बाकी क्योंकि आजकल दीदी को वो क्या प्रोजेक्ट ना, हाँ प्रोजेक्ट मिल रहा है, कितने पेज का?
मतलब पीडीएफ का अराउंड 56 कुछ का आई थिंक टाइप करना है ये आई थिंक टाइप करना भाई वहाँ देखो प्यार मम्मी ज्यादा उसी को प्यारा मानती है इसलिए तेरे को नहीं मानती ना हो मुझे नहीं खाना बच्चा नहीं हूँ मैं ये है बच्ची ओ छोटी बच्ची हो क्या है दी अच्छा तो गाइस आज भैया घर पे नहीं है भैया थोड़ा बाहर साइड जा रखा हमने काम के थ्रू मतलब काम के रिगार्डिंग थ्रू बोल रहा है यार दी सॉरी यार क्या होगा मेरी इंग्लिश का ये कड़कड़ी हो जाती है गाइस तेरे को पता है भानु के भाई की वो मेहंदी दिन में थी और कल शादी है दिन में तो कल 12 बजे दिन में शादी है तो कल सो गाइस कल का सीन बताता हूँ मतलब अभी तुम बोला हो देख रहे हो तो आज का सीन ऐसा है आज मैं जा रहा हूँ 12 बजे क्या बोलते है शादी में शादी क्या होता है शादी शादी बर्बादी मम्मी शादी बर्बादी होती ना बताओ है ना अरे मैं भूल गया भाई देखो दोबारा अरे बाप रे भाई दोबारा क्या बोलते हैं यार उसका नाम एक चीज का नाम है कुछ जल्दी बताओ मेरे गाइस को उसको बंद कर दे भाई मेरे भाई को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और... सुख नहीं मजा उड़ा रहा सुख नहीं मजा उड़ा रहा दुख भी मजा नहीं उड़ा रहा शादी शुदा तो वैसे भी कुछ नहीं मजे उड़ा रहा तो सुख उड़ा कौन रहा अरे बाप रे बाप ये क्या बोला भाई तुमने सो गाइस जस्ट अभी खाना पीना हो गया मेरा और ऐसा मत मानना व्लॉग एंड करने आ रहा मैं एक इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ यहाँ पर भाई पता नहीं मेरे को जब मैं इम्पॉर्टेंट बात करने आता हूँ मेरे को हंसी क्यों आ जाती है क्योंकि भाई सकली हंसी है क्या पता यार बहुत इम्पोर्टेंट बात भाई लोग तुमने सुना होगा बहुतों ने सुना होगा बहुतों ने नहीं सुना होगा तो मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा नीचे पे इधर पे और इधर पे एक फोटो लगा दूंगा देखो यार मैं वीडियो बना सकता था लेकिन मैंने बनाई नहीं क्योंकि काफ़ी लोग बोलते कि भाई हाँ तो व्यूज़ के लिए कर रहा है या सिंपति गेन जो भी होता है मैंने बनाई नहीं भाई देखो दिल से मानना चाहिए तो मैं भाई दिल से माना तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फोटोज़ लगा दूंगा वैसे एक काफ़ी पहले का हो गया था मैंने उस टाइम बता दिया था उसी टाइम याद है जो मैंने बोला था कि भाई प्रो राइडर है 1000 है उसका एक्सीडेंट हो गया भाई का मर गए हैं मतलब भाई भी क्या बोले उनको यार बहुत मतलब मिलियंस में काफ़ी सब्सक्राइबर थे यहीं के थे देहरादून के और काफ़ी अभी लोग बहुत बातें बना रहे हैं भाई उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं कि 300 की स्पीड में थे भाई 300 की स्पीड में नहीं थे काफ़ी मैंने वीडियोस भी देख लिए हैं मतलब जिस टाइप से मैं जो मेन मेन वीडियो आती हैं जो मेन मेन पेजेस पे आती है वो मैं देख लेता हूँ बाकी फालतू वीडियोज नहीं देखता मैं और भाई इतना लोगों ने इतना बना दिया ना भाई उस बात को भाई कि यार प्रो राइडर ऐसे था प्रो राइडर वैसा था भाई कोई इंसान मर गया भाई कम से कम थोड़ी इतनी सी इज्जत कर लो भाई उसकी नहीं लोग उस पर हंस रहे भाई कोई कोई तो भाई उसके हंस रहा है भाई व्लॉग बना रहा है उस पर कि भाई देखो मर गया और तेज चला ऐसा ये वो भाई किसी ने अपने बेटा खोया किसी ने अपने भाई खोया किसी ने अपना बेचारे का बेटा ही यही मान लो यार घर से कोई चला गया है अकेला बेटा था तुम उस पर वीडियो बना रहे हो कि भाई ऐसी बात है कि भाई वो तुम इतना तेज चला रहा था ऐसा चला रहा था तेज की कोई बात नहीं है जब कोई चीज़ पता नहीं होती है तो उसके ऊपर भाई बोला भी मत करो भाई साफ बात है मैं भी बना सकता था वीडियो कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया ऐसा वैसा भले ही मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाता भले ऐसी वीडियो बना देती कि हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया है तो ट्रिब्यूट इनके लिए ऐसा वैसा नहीं बनाई क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता है देखो साफ बात मेरे को खुद दिल से ऐसा था यार कि हाँ यार दिल में है तो दिल में ही रखूँगा अभी मैंने तुम्हें तुम्हारे सामने बोल दिया बाकी तो मेरे को यही बोलना था बाकी हाँ मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा था जो भी मेरे व्लॉग देखता है और जानते हैं प्रो राइडर को तो संडे 14 तारीख को 12 बजे कावासाकी शोरूम के बाहर से एक रैली जाएगी जो कि ड्रैगर भाई कर रहे हैं उसको मतलब उसको वो हैंडल कर रहे हैं ड्रैगर भाई हो गए और ड्रैगर G900 है यूट्यूबर है उन्हीं के भाई लगते हैं वो उन्हीं के सबसे खास हैं तो भाई अगर तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो पार्टिसिपेट मतलब अपना ट्रिब्यूट करना चाहते हो अगस्त्य भाई को अगस्त्य भाई प्रो राइडर हैं अगस्त्य भाई को करना चाहते हो कि हाँ भाई जाना है तो वो रैली वहाँ से जाएगी उनके घर तक रैली भी क्या बोले यार उनके लिए ट्रिब्यूट है बहुत बड़ा है सच में कि हाँ हम लोग उनके फ़ैन हैं बहुत मतलब उनके लिए कुछ थोड़ा सा ही जो भी कर सकते हैं वो उस रैली में कर देंगे उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए बैनर बना रखे हैं बैनर वगैरह बना रखे हैं अब सोचो यार हम उनके लिए जा रहे हैं उनके घर वाले देखेंगे कि हाँ कि मेरे बेटे ने ये चीज़ें कमाई है ये चीज़ें कमा के गया है तो कितना अच्छा लगेगा तो भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा वहाँ जाने की तुम्हें व्लॉग दिख जाएगा अगर मैं जाऊँगा क्योंकि ड्राइवर भाई ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग डालना उस दिन का क्योंकि उनको लगना चाहिए उनके घर वालों को लगना चाहिए कि हाँ भाई मेरे बेटे ने ये चीज़ें कमाई है
ठीक है भाई। तो भाई यार काफी मतलब अच्छा नहीं लगता यार, काफी मतलब भाई 22 साल के थे, मैं भी खुद 22 साल का हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, 22 साल का हूँ, वो भी 22 साल के थे, वही है थोड़ा फर्क है, थोड़ा मतलब हट्टा कट्टा था भाई। आर्म रेसलर थे, नेशनल आर्म रेसलर थे, और क्या ही बोलूँ यार मैं तो, बस यहीं पे मैं इतना ही बोलना था कि भाई जो भी मेरे व्लॉग देखते हैं, जिनको भी आना है संडे को मैं खुद जाऊँगा, मेरे को DM कर देना कमेंट बॉक्स में, कमेंट कर देने कि हाँ भाई मुझे भी चलना है, मैं बता दिया वैसे मैंने, बाकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं कहाँ पे लोकेशन क्या है, कावासाकी का शोरूम है GMS रोड पे, वहाँ से जाएंगे 2 बजे तक रैली वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, उनके घर पहुँचेंगे, उनके लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है भाई। तो चलो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अगर व्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय, अपने ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय।